बोला क्या बोल रही है तू सर को? ऐसे बोलेगी? ऐसे नहीं बोलना चाहिए। ऑफिसर खड़े हो यार, वो हमारे उसमें। हाँ और क्या, नहीं आता काम लड़ने का। तू लड़ेगा दिख रहा हमेशा यार, लड़ाई वहाँ भी होने वाली है शायद। हर बार लड़ेगा यार, ये लड़ रही है मेरे साथ बताओ। ये तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ना, तो आप लड़ लेती थोड़ी मान भी लिया यार दूसरे की। आप कैसे लड़ती है? सबकी लड़ती है वाइफ बताओ। कबाब में हड्डी इसको बोलते हैं भाई को। किमी गाड़ी गई संभाल किमी। रे फिर भी ता नचाने आड़ा, मैं चोरारी आड़े आड़ा। राम राम जी, क्या हाल आपके गाइस? वेलकम बैक टू अदर व्लॉग, आपका स्वागत है भाई। गाइस कल रात को इतने परेशान हुए ना, हम इतने परेशान हुए। तो अगर आप भी आओ ना टिहरी, तो अपने पहले से बुकिंग करवा के आना भाई, क्योंकि यहाँ पे एक तो सबसे मेन बात बहुत एक्सपेंसिव होटल्स हैं, और दूसरी बात सिर्फ दो ही होटल हैं, ठीक है। तो अपना भाई, और एक तो फुल हो ही गया था, तो हमारी मजबूरी थी एक बार रुकने की, तो हम रुके हुए हैं इसी में ही। बाकी हमारा प्लान तो था कि वोटर राइड्स करके निकल जाते, लेकिन लेट हो गए थे तो हमको रुकना पड़ गया मजबूरी में। बाकी आपको दिखाता हूँ, तीन साल के पैसे दे रखे हैं, बाकी रूम तो अच्छा ही है। एक बार देखो आप रूम भी। गुड मॉर्निंग, राम राम। राम राम बोल पहले। राम राम जी सारा ने। लो जी यो है मेरा कमरा, देख लो। शी इज माई रूम, माई लाइफ, माई रूल्स, एवरीथिंग गाइस। चलो ठीक है, एक्चुअलिटी में जाते हैं। तो गाइस ये था हमारा रूम, देख लो भाई, वाइड एंगल कर दिया मैंने। और फिलहाल हम रुके हुए हैं लीरोय होटल में, और ये इस तरफ का एरिया है, यहाँ पे हमने अपना सामान रखा हुआ था, और ये हमारा ड्रेसिंग है फुल, तो देख लो भाई। और मेरे को तो भाई ये पसंद आया, सही बताऊं ना तुम्हें, है ना? अच्छा, और ये हमारा वॉशरूम था, और जो सबसे मेन चीज है यहाँ की वो दिखा गया, क्या दिखा रही है? ये बाहर का व्यू है। टिहरी में गए अगर आप आ रहे हो तो डैम पक्का देखना, डैम मतलब उस रोड के ऊपर से जाना और एक्सपीरियंस करना, क्योंकि रोड के उस तरफ से ही अच्छी तरीके से दिखता है डैम। तो टीपरी गाँव का नाम ले लियो भाई, कि टिपरी गाँव में जाना है, क्योंकि वहाँ पे CSF खड़ी है, वो रोकती है, पूछती है आपसे। और बाकी व्यू देखो, जबरदस्त व्यू। ओ भाई साहब, गाइस मॉर्निंग व्यू है, और फिलहाल ये पहाड़ दिख भी नहीं रहा हमको। और जिस होटल में हम रुके हुए हैं गाइस, वो है ये राजा महाराजा टाइप लग है ना, आलीशान होटल गाइस। और फिलहाल अभी हम बैठ यहाँ बैठ के चाय पीने वाले हैं। और आज हम क्या करेंगे कदीका, आज हमारा क्या प्लान है सुबह से लेकर शाम तक का? और गाइज ये व्लॉग आज ही आप देखोगे, आज ही शूट हो रहा है, देख लो। तो हम आपको हर एक चीज़ दिखा रहे हैं मतलब, और दिन के दिन दिखा रहा हूँ मैं तो, सॉरी। आज क्या करने वाले हैं? वोटर राइड्स वगैरह करेंगे, पैराग्लाइडिंग अगर होती होगी तो वो भी करेंगे, नहीं तो उससे पहले भाई ब्रेकफास्ट जरूर करेंगे, कुछ भी ढंग का ना मिलता डबार यार। और कल जब हम होटल में आए तो सिर्फ मीठे के अलावा कुछ भी नहीं था, नोले सर मीठा मिल जाएगा आपको बस, हमने मीठा मंगवाया गुलाब जामुन, बता दूँ भाई 180 रुपए की गुलाब जामुन थी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। फिर वो आई बार बार से, ठीक भीतर तो इतनी कर डी, इतनी कर डी भाई साहब। मगर हमने फ़ोन करा, मगर जी ऐसे ऐसे बात है, वो आए और ले गए, कोई बहसबाजी नहीं, ये होता है अच्छे होटल्स में, नहीं इतना दही वाडा लगे रहा है। अरे सर रास्ते में होगी होगी टाइट, हमें क्या पता ये वो, लेकिन ये अच्छे होटल की बात है भाई, अच्छे होटल की ये बात है, 180 रुपये की बात है यार, नहीं कि नहीं। और हमने जो रूम लिया है गाइस, वो था हमारा 8900 कुछ का था रूम, और इसमें टैक्स इंक्लूड है धनी का, है ना? टैक्स इंक्लूड है, और 1000 रुपये हमारे ब्रेकफास्ट के लिए उन्होंने एक्स्ट्रा, तो हमारे 9 तो दस्ते। बाकी देखो पार्किंग आपको दिखा देता हूँ, हमारी गाड़ी कहाँ पार्क करी थी हमने, वो कर रखी गाड़ी पार्क। रात रहा मैंने शूटर ना कर लोग यार ना, क्योंकि सुबह का व्यू बढ़िया आएगा होटल का, सुबह ही दिखाऊंगा नहीं। और अब बस ब्रेकफास्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना है। फिर क्या प्लान है करनेगा यहाँ से मतलब बोट राइड्स के बाद? वो किस तरफ चलना है? सब कुछ दूर दूर है, सब कुछ दूर तो है। और गाइस मुझे आपसे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है,
सूरज और हर्षा भी आ सकते हैं, उनका फोन आया था। तो कुछ नहीं बेरा भाई, उनका अगर प्लान बनेगा 100% आने का तो हम की तो उड़ारी भर देंगे। नहीं तो उनका शमशान घाट है सामने, देख ओ भाई साहब दिख रही है गाइस लकड़ियां, ये शमशान घाट है ये। और गाइस अब ये वाली वीडियो देखो आप कि कल हम कहाँ एंजॉय कर रहे थे शाम को। गाइस ये है कल शाम की वीडियो और ये देखो भाई फुल एंजॉय हो रहा है। हेलो, कितनी अच्छी भाई बोली, कौन है यू ही सड़ो घर बैठ के। अनुराग दादा खाइए ये बढ़िया बढ़िया व्यू दिखा, व्यू दिखाऊं ये देखो भाई वाइब कितनी जबरदस्त आ रही है, बढ़िया गाने चल रहे हैं। और ये रहा यहाँ पे बहुत बड़ा पुल है भाई, ये यहाँ पे लाइट शो होने वाला है थोड़ी बहुत देर में, वो भी आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में। बस अब जाके होटल वोटल लेंगे और आपको लाइट शो भी इंजॉय करवाएंगे, बहुत मजे आएंगे पुल में। और गाइस अभी अभी पता चला है भाई सबसे बड़ा पुल है उत्तराखंड का कि मियो, और देख लो हल्की फुल्की लाइट लगी गई है और अभी लाइट शो चालू होना है, बाकी है फिर दिखाते हैं आपको यहाँ के मजे। जबरदस्त लाइट शो चलता है, जबरदस्त, और ये चलता है रात के 10 बजे तक। अभी चलने वाला है बस लाइट शो, 5 मिनट और रहेगी। हाँ यहीं बैठेंगे, लो भाई यहाँ बैठ के देखेंगे पूरा लाइट शो। नीचे पूरी लेक है, ये लेक, इसको लेक क्यों बोलते हैं, बाकी सही है लेक का बोलेंगे यार, डैम ताकि ना है। और ये फ्लोटिंग रूम से गाइस ये फुल हो गया था, लो भाई बिल्कुल करेक्ट टाइम पे लाइटिंग शुरू हो गई है। अब देखो ना अब लाइट शो का मजा आने वाला है। अब थोड़ी देर में म्यूजिक आएगा गाइस, म्यूजिक भी आएगा। यस मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी, देखो चालू हो गया ना स्टार्ट, ऊपर लाइट चेंज होगी। यो ये था जो लाइट शो था इन शॉर्ट, मारा कट गया किमी और के इतना वेट करे भाई, यो लाइट शो था। कोई नहीं वैसे अच्छा है यार, ठीक है, मैं इसको कुछ बुरा भी नहीं कहूँगा, पर ठीक है यार, चलेगा निका आ जाओ ले भाई चलती है ना, और देख लो लाइट शो ले भाई। आपने वीडियो एंजॉय कर ली, अब बिन भाई बात सुनो क्या कह रहे थे। ये पूरा लेक है, पूरा वाटर ना यहाँ तक भरता, पूरा होटल के सामने दीवार है ना यहाँ तक आता है पानी, यहाँ तक सामने लगा ओ तेरी इतना खाली पड़ा है भाई। वो क्या ना सर, मॉनसून चालू नहीं हुआ ना, हाँ। अभी इसके बाद मॉनसून आ जाएगा तो फिर पानी भरना स्टार्ट हो जाएगा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि फिर तो आपका गेट डूब जाएगा, वो वाला गेट, गेट के अंदर आता है पानी, डूबता नहीं अंदर आता है। अच्छा भाई जबरदस्त है, कब तक हो जाएगा ये पानी इकट्ठा? इस महीने के बाद अगले मंथ से पानी चालू हो जाएगा। ओ भाई साहब कनिका, लो भाई फाइनली चल पड़े हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और कनिका अपना ब्लॉग एडिट कर रही है तब से, और ये कंफ्यूज्ड गाइस इस पे लिखा हुआ है, देखो इस पे कंफ्यूज्ड दिखाई होगा कनिका, रेस्टोरेंट इसी पे, ये टी-शर्ट में देखो कंफ्यूज लिख रखा है और ऊपर है, ओ ये तुम ग्राउंड पे आ गए सही तरीका था बाहर करने का, ये भी इतना ना दबा रहे क्या मत करना भाई, सुबह सुबह चालू हो जाए अंदर देख लो, फुल फुल ले रहे गाइस, फुल मजे आ रहे हैं, कोई ऐसा हम मिस नहीं कर रहे किसी को, सही बताऊं तो यो कितना आ गया भाई रेस्टोरेंट बोल रहा है कनी का बिजनेसमैन है भाई, देख लो अपना चार्जर अपनी गैल लेके चल रहा है, बिजनेस लेडी, बाकी देखिए झूमर घना बड़ा नहीं है पर मारे करते बड़ा को जा। ओह भाई साहब थोड़ा ब्यूटी, यो रेस्टोरेंट है महंगे होटल का देख लो महंगा, पता है मैं क्यों क्यों कह रहा हूँ, जैसे मेन्यू ये आएगा इसमें से मतलब चॉइस करना पड़ेगा कि कह रहे हैं। लो भाई ये क्या है, ये मेरे को याद आ गई, मुझे इसका नाम नहीं पता था, ये मेरे को भी चाहिए, मेरे लिए ले आओ मेरे लिए भी, मेरे को याद आ गया क्या। और ये दूध ले आए, ये तो गर्म है, ये ठंडा दूध है, कॉर्नफ्लेक्स आ गए, ओके ओके थैंक यू थैंक यू, ठीक है ले आओ, अच्छी है, कैसी बनी हुई है, मस्त दिखाइयो। इनका नाम क्या है, वर्मी चिली है, वर्मी चिली,
ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਹਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੌਨਫਲੈਕਸ ਲਿਆਂਗੇ ਕਿਉਂ ਇਲੇ ਆ ਟੇਬਲ ਗਾਇਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਭਾਈ ਕੌਨਫਲੈਕਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੀ ਮਾਰ ਰਹਾ ਹੈ ਮਾਹੀ ਮਾਰ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਾਇਸ ਵਾ ਮੂਵੀ ਜਿਸਮੇ ਕਹੇ ਮਾਹੀ ਮਾਰ ਰਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਖਾਏ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ 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 ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿਆ ਤੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਗਾਇਸ ਹਮ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਜੇ ਟੇਬਲ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਨੈਕਸਟ ਆਈਟਮ ਕਾ ਜੋ ਕਿ ਕਿੰਮੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਰਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਆਜ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਓਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੋਚੀ ਨਾ ਯਾਰ ਇਹ ਹਮ ਨਾ ਕਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮੋਟਰ ਰਾਈਡਸ ਕਿਸੇ ਕਰੇਂਗੇ ना क्यों जाएंगे ना जाऊंगा आगे नाएंगे हाँ ठीक है ये देखो भाई ये जल्दी पैराग्लाइडिंग यहाँ पे आवाज़ थोड़ी यहाँ से यार ये इग्नोर करना बाकी ये भी हम करने वाले हैं आज अगर टाइम पे पहुँच गए तो करेंगे सारी चीज़ खाना पीना खा लिया भाई मेरा तो कितने दलगा जी नहीं कर रहा इस कमरे तो नहीं आ रहा यही कर रहा और सो लूँ नींद इतनी आ रही है इस लेकिन हमें जाना पड़ेगा भाई मोटर राइड्स करनी है क्योंकि बात करके आ रखे हैं हम और अभी धूप भी कम है तो वर्ड राइड्स अभी करने में फ़ायदा है कहीं का तू चेंज कर ले मैं भी अपने फुल साइज का डाल लेता हूँ गाइस फिर मिलते हैं फाइनली रेडी हो गए हम दोनों मैन इन ब्लैक एंड मैन इन सॉरी वुमेन इन नाली घाटी थोड़ी देर भीतर दरिए ले आते हैं कहाँ तक तू पर्स लेके वाटर राइड्स करेगी कनी का धूप बहुत तेज हो रही है बहुत ज्यादा बाज रही है मुंह उठा के देखियो यार ये काम है तू चला गाड़ी गाड़ी तो खोल अरे यार कनी का मेरा ना भाई की ही होई बहु भी ओ उबल रही है गाड़ी चलो कितनी तेज है यार तू सनस्क्रीन लगाने लग रही है एक ली लगानी होती तो अकेले ऊपर लगा के आऊं इसलिए इसने लेके आई हूं ताकि दोनों लगा ले चलो फिर ठीक है छोड़ दी है जा ना इस तरह ध्यान तो जाता ले भाई मारती स्पेशली गेट खोल दिया है क्योंकि नीचे ही बोट राइड्स होने वाली है छेदी तार दो गाड़ी के में नीचे थे गाड़ी से ओके जी उतर जाएंगे फिर तक भाई सो देवरी बोट राइड्स वहां पे होंगी चलो ऑफ रोडिंग भी करते पाया पे सीरियसली पाया पे कौन लगाया करे काले पांव हो जाएंगे पाया पे तो हम ध्यान ना देते ओ तेरी गए मेरे तो पहले ही काले हैं गाइस जब ये दुकान में तो पूछा तो नहीं था गोरी क्यों करे वे नुए हैं ध्यान ना कर रखे कल भैया शॉर्ट्स पहन यार मैं इस तरह पूछूं मैं यार तेरी इतनी बुरी टांग मेरी इतनी काली टांग क्यों है भाई छोरी यार छोरे में फर्क तो वही है गाइस तुमने नहीं बेरा यार सारी बात कमान लग रही था मेरे दोरे किमी गाड़ी गई संभाल किमी गए मेरे से ज्यादा तने गाड़ी की टेंशन है तू गाड़ी के लग कदे लापरवाही ना ओ भाई साहब किमी गाड़ी भाज रही पकड़ जल्दी अरे गाड़ी ने नहीं स्टीयरिंग ने पकड़ के नहीं का ले भाई ये थोड़ा एक्टिव होने के लिए करया मैंने थोड़ा शरीर एक्टिव हो जाएगा और ये आ गई हमारी राइड्स वाटर राइड्स गाइस लो अब करते हैं यहाँ पे वाटर राइड्स पहले वो वाली करेंगे नहीं का पैराशूट वाली पैराशूट वाली अरे इसी के अंदर होती है हाँ इसके अंदर होती है पैराशूट वाली लिपस्टिक क्यों लगाने लग रही है तू लिपस्टिक ओहो फोटोज वीडियोज झूठी सनस्क्रीन मिर्ती लेगा ये झूठी मतलब मैंने टोक दी गई जी ठीक है मैं देश बिना की झूठी चल ने क्रीम लगा बकवास करवा लो तेरे से कितनी गंदी तरह लगाई है रोहित लो भाई सनस्क्रीन ऐसे लगाते हैं गाइस देख लो टैप करके घिसते नहीं है इसको पर हम सब घिसते हैं क्योंकि हम इंडियंस हैं हमारी गाड़ी का टायर पंचर होने वाला है हवा गति कम होली भाई अगले टाइम में कितनी आवाज आ रही है इसमें कितनी आवाज आ रही है
तंत्र बनवाऊंगा, टेंशन मत ले। जितनी बाजरी है ना, हमारा होटल कितना मस्त लग गया गाइस। हम यहाँ पे रुके हुए थे भाई, देख लो ये रहा होटल हमारा, एंड नहीं है। सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ एक बार में क्या क्या है। बनाना राइड भी है, बनाना राइड भी है, बनाना राइड भी है। मुझे तो उसमें आओगे सब यो ना कर रखी थी इसलिए। ये टिकट्स हैं भाई, इतनी महंगी टिकट है, देख लो 2500 रुपए की। तैयार पैरा शिलिंग वाली। आप ये मेरे को जैकेट टैग दिखाना, कौन सी है ये? आपका बम्पर राइड है, दो लोगों में होने वाला बम्पर राइड है। स्लाइड करते हुए पानी में लेके जाएंगे आपको, दो राउंड करा के लेकर आएंगे। इसमें डूबते भी हैं सर? 1% चांस ये पानी में गिर सकते हैं, बाद बाकी आप सेफ रहते हैं, लाइफ जैकेट वगैरह पहनी रहती है सर आपने। अच्छा अच्छा ठीक है सर, चलिए कर लेंगे एक तो। प्लस हम 3-4 करेंगे भाई, तो रेट ठीक लगा दो हमारे। अरे ब्लॉग भी बन रहा है भाई, तुम्हें लोग देख भी रहे हैं। वोटर सर्फिंग क्या होती है? ये तो कर रखी है हमने, मिनी स्पीड बोट है, दो लोगों के लिए, आगे बढ़ते हमारा इंस्ट्रक्टर रहता है। ये तो कर रखी है हमने, देखते हैं भाई कौन सी करेंगे। तू लड़ाई क्या दिख रहा है हमेशा यार इन बातों के ऊपर, जब तेरा मन है तो कर ले। तू मन क्या दिखा हुआ है बार बार? मन है तो कर ले, तेरा मन है तो पहले चलिंग करनी है ना, तो लड़ाई क्यों है? मैं तेरे लिए हर बार लड़े जा यार, ये भाई साहब लड़ रही है मेरे साथ, बताओ। मैं कह रही हूँ कि भाई इसका मन है तो तू कर ले, मेरे को क्यों फोर्स कर रहा है बताओ? आप तो ऐसी लड़ती है, हमारी लड़ती है भाई, सब की लड़ती, सबकी लड़ती है भाई, बताओ क्या करें? क्या मतलब हुआ ये? तो भाई जो अनमैरिड है उन्हें थोड़ा ध्यान, अपना थोड़ा ध्यान दे भाई, ठीक है? मत कर, लड़ाई लड़ाई होगी, मजाक करें कुछ ना। ये हमारी राइड्स, 3 राइड्स हैं, लाइफ जैकेट पहन लो, इस तरह मत कराइयो, पेंडा सूट था। ये मेरे साइज का है, ये मेरे साइज के बच्चों की है, बच्चों की मत पहना, बच्चे की है, बच्चे की है। ये बाला क्या है? ब्लू कलर की उठा देखो, बच्ची तो है ये। तने के कर दिया यार, ये सारी गिर दी करनी का अपने ठाने से करा मैं भैया। ये बड़ी है देखो, ये बड़ी है, छोटी हो जाती है, छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी करनी की, थोड़ी मानी भी यार दूसरे की। दे मैं ली कर दी, नकुण पैर है गाई भी है। लो जी देख लो भाई साहब, लेडीज लड़ती रहती है हमेशा। ये तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ना, तो आप तो लड़ लेती। हाँ और कहीं नहीं काम लड़ने का नहीं भाई। क्या बोल रही है तू सर को, ऐसे बोलेगी है? मैंने कुछ बोला तो बोल रही है सर, मैंने आपको कुछ बोला? ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऑफिसर खड़े हो यार, वो हमारे उसमें डर क्यों रही है तू? दे पागापन लग गए गाइस, गाइस पागापन लग गए सही में। कुछ भी ओ भाई साहब, बाकी जो 2 मिनट और खड़े हो जाते ना, इनकी लड़ाई पक्का करवा देता हूँ, पक्का लड़ाई 110%। लो भाई पानी तो कहीं गाइस आए, इसका है गंदा सा पानी, कुछ फ्रेश पानी कौन है? वो इधर है ना, चल डाक मार, चल कूद कूद, देखा ये शाबाश, ए शाबाश। यो इस पे तैर है भाई, सौदा देख लो, राइड करन दई पूरे वोटर राइड सा भाई, कोई नहीं है मार देने वाला। किसको देनी है वैसे पर्ची? क्या ये पर्ची कहां देनी है? कोई भी नहीं मार देने वाला, कोई भी सब होना लोड रहे होंगे होटल में कमरे में, क्यों बड़े बारी गर्मी मारी जी से पागल आओगे। कनी का ये देख, एक टाइम पे ये पूरा पानी में था, 1 महीने बाद दोबारा पानी में हो जाएगा, देखियो कितना लेवल है यार। ये भी हाँ यहाँ तो देखो भाई, ये उस होटल के वहां तक पानी आवा है, तो कितना पानी होगा, चाले की बात नहीं है। माँ गंगा को सोच रखे हैं, क्योंकि बागरी थी है ना, ये गंगा ही बोलेंगे इसको भी भाई। राइड ऐसी करवाइये अख मौत दिख जाए हमने, ठीक है पार्ट दिए हमारी, पार्ट दिए हमारी, जब पता मजा आकर पिए देने का यार। अरे क्या फायदा हुआ इतने रुपए दे दिए, ओ ही मजा आओगे बैठ के। ये बोट भाई साहब कितनी आ गई स्पीड में, कितनी स्पीड होने वाली है। लो भाई हमारी आया भूसा रेडी होने वाली है कनी का, किसी किसी बोट इन्ना साफ ना रखते यार, पानी रहे फिर भी पानी मार लियो। बाकी ये मिलती हो तो मान ले मारा घर की, तब पर इन्ना हो गए हमारा नहीं,
लोगा का जो साउथ साइड रहे उन्हें बोट मिलती होगी तेज में कुकर स्टार्ट करेंगे। गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:40 और हमारा चेकआउट है 11:30 बजे का। अगर 11 था पर रिक्वेस्ट करके 11:30 अगर हम 11:30 तक ना सोते फ्री भाई 11:30 तक हमने राइड्स भी करनी है और ना दो नीचे उतर के भी आना है तो बहुत ही मुश्किल है गाइस। तो लड़ाई वहाँ पे भी होने वाली है शायद। लड़ाई तो की होगी भाई अपनी जगह ठीक कर रहे हैं क्या होंगे यार बात कितनी पर तू उनके सर हो जा ना सर ना हूँ यार मैं उन यही बात कहूँगा ले लो यार 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेंगे और क्या करेंगे। ये फ़ोन बंद हो गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस फोन का इशू चलता रहता है भैया खराब बोर्ड में कदर से ही मैं मौत दिखा दो। हाँ सही कह है और कुछ भी हो सके है तेरे मुंह की बात हो जाएगी बुद्धू राम पहला तू वो डूब गई ना। अच्छा रिस्क नहीं है ये वेव्स में बहुत दंगे चलता है। ले भाई स्टार्ट हो गई है वेव्स तो यहाँ होती ही नहीं। चल चल बैठ होती है वेव्स चल ना भाई अकेला मैं जाऊँ बोट लेके ये देख लो भाई कबाब में डिश को बोलते हैं भाई को अलग कर दिया नहीं अभी भी तू सही है कहीं वैसे वहाँ इतनी दूर भाई साहब लेकिन जो तू स्पीड एक्सपीरियंस करेगी ना ले भाई देखते हैं भाई क्या फील होगा हमें क्या ना होगा। चल पड़ी हमारी राइड ओ किमी ले आ गया मेरा फोन तो बंद ना हो जाएगा जो रे ले आप पकाओगे यही बात होगी भाई सब देख ये बच्चे थे जेट अटैक नाम है मेरा फोन पड़ गया था भाई अगना पड़े आपसे खड़ा हो रहा है ना आगे 850 फीट कह रही है चल मैं आगे आ जाऊं मैंने बैठन दिए तू जा भी ये तू सब जाओ भैया जाऊं ले जाओ पक्का हां जाओ कदे पड़ जाऊं जैसे मैं बोलता पीछे चल जाना अभी आ गया आ गया हूं ओ भाई साहब अरे वो रस्सी गिर गई शायद रस्सी कोई बात नहीं अरे इस तो क्यों दे दी यार मन ने कदे अपनी गाड़ी ने चलाई इस तो थोड़ा मौसम सा खराब सा है ना नजारे बढ़िया आते बाकी पानी तो बहुत ठंडा है कि भाई ई आ गई है प्रॉपर स्पीड में भाई सो भाई एक राइड तो कंप्लीट होगी हमारी और 11 बज लिए अभी ये वाली होने वाली शायद हमारी ना देखते हैं भाई कौन कौन सी और रहेगी ये भी करेंगे सुन गिल्ले तो होते ना अच्छे तो रेडी होके आ जाएंगे कितना कोशिश कर ले 11:30 पहुंच भी नहीं पाओगी नहीं नहीं हम रेडी होके आ जाएंगे चल गिल्ले ना होते नहीं 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 तो भाई किम्मी का नंबर आ गया सेकंड राइड में मैं तो अकेली बैठी इन आराम है तारे यो भाई ओ बाकी इसके रिएक्शन देखता हूँ यहीं से किम्मी भाई साहब जबरदस्त मजे आए इस वाली राइड में बहुत ज्यादा मजे आए हैं ओ भाई पूरे मेरे वाले तेनु बोला फुल दबा एक्सीलरेटर जान दे अच्छा चलो भाई ये राइड हो रही है हमारी वो भी करते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से इसमें मजे आएंगे ना वीडियो रहने दो इसमें मजे आऊंगे ले भाई किमी हम दोनों का वेट बैलेंस हो जाएगा है हाँ कोई नहीं भाई ना सच में फोन मत रख के ना यार ये सच में बहुत बाउंस कर रहा है फिर अंदर रखूंगा ना फोन में अच्छा देखते हैं भाई वीडियो बनाऊंगा ना बनाऊंगा वीडियो तो बनाऊंगा देखी जाएगी ना पॉसिबल है रखेगा अंदर भाई पलट जाते हैं भाई पलटता है ये अच्छा फुल मजे आ रहे हैं इस वाले एक नंबर के ओ भाई साहब कतियाले होली यार कभी आप बिल्कुल बीच
कति बीचो बीच है भाई देख लो। अभी इनको वीडियो के लिए बोल दिया, ये बनाऊंगे वीडियो, वो एंजॉय करो गाइस। भाई इस राइड तो बत्ती मजे क्या है, मैंने आए हमने सही बताऊं तो पूरे ट्रिप में भी ना आए है कि मम्मी गणिया की राइड नहीं थी। तेरा क्या था एक्सपीरियंस, तू बता अपना। मेरा जेट स्की का भी अच्छा था क्योंकि मैंने पूरी पावर फील करी, बहुत मन नहीं करी थी लेकिन मजे इसमें आए भाई। तो इसमें बम्प्स आओ थे ना, आप अगर टिहरी आओ तो इसका नाम क्या है, बम्पर राइड। बम्पर राइड हम 100% करियो भाई, बहुत मजेदार है, बहुत ज्यादा। मेरा देखा दिख रहा है, मैं दोबारा कर लूं ना, लेट हो रहे हैं बाज लगे, टाइम हो गया 11:30। तो बस निकलते हैं, ओके अंकल जी बाय बाय। तो गाइस अब आज कल यहीं पेंड करते हैं, फिर मिलते हैं और अच्छे से ब्लॉग में, तो तक के लिए टाटा, लव यू ऑल। अब हम कैंपिंग भी करने वाले हैं, तो करेगा कैंपिंग अभी देखेंगे, ठीक है ना, धो लिया, ओके बाय बाय।